परेशान है क्योंकि इस बार भी आम नहीं आया है पेड़ पे, बहुत सारा बहुत कम है, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अभी। ये इस वाली पेड़ पे बहुत कम है, आप वहाँ पे है दो चार। ओ गॉड, ये पपी इधर फिर से आ गया। ओ माय गॉड, ये खुद ही डर रहा। ओ माय गॉड, मम्मी है वहाँ पे, मुझे मेरा इंतजार कर रही है। क्या दिखा आपको वो पुतला? ये यहाँ पे जानवरों से क्या कहते हैं उसको, प्रोटेक्ट करता है। शायद यहाँ पे कोई है, मुझे डर लग रहा है, मैं निकल रही हूँ यहाँ से। सेफ नहीं है अभी खेत में घूमना क्योंकि आजकल हर जगह कुछ गलत, कुछ ना कुछ गलत होती रहती है, तो मेरी मम्मी भी डर रही है यहाँ पे। अगली जो बगीचे है हमारी आम की, वहाँ पे जाने से डर रही है मेरी मम्मी भी क्योंकि वहाँ पे भी कुछ हादसा वगैरह हुआ है। गाइस देख सकते हो यहाँ पे कितना घना जंगल है एंड हवा भी कितना ज़्यादा चल रही है। सो गाइस इस घने जंगल से हमें जल्दी निकलना होगा। तो यहाँ पे सब आने से डरते हैं क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं इस बगीचे में। इधर ज़्यादातर आम के बगीचे हैं और कोई कोई ही ज़्यादा खेती करता है, यहाँ पे ज़्यादा लोग खेती नहीं करते हैं, यहाँ पे बस पेड़ है ज़्यादा। इस जंगल में सच में कोई नहीं है, देख सकते हो आप, कोई भी नहीं। मेरी मम्मी है एंड एक आंटी है और एक आदमी आ रहा है यहाँ से साइकिल। मम्मी को एक आम मिली रास्ते में, ये देखिए रास्ता कितना पतला सा रास्ता है एंड ये रहा आम का बगीचा और यहाँ पर देख सकते हो कितना सारा काग है। ओ माय गॉड। सो गाइस ये है आम का महीना एंड हम पहुँच चुके हैं आम के बगीचे में। यहाँ पे देख सकते हो इधर भी देख सकते हो, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पर भी देख सकते हो। पेड़ में, मतलब पेड़ में आम नहीं है, पर पता नहीं कौए वगैरह को कहाँ से मिल जाता है आम, नीचे में गिराया पड़ाया है और सब खाया है, पार्टी किया हुआ है, मस्त पार्टी। ये एक दो तीन एंड चार, ये चार हमारा पेड़ है यहाँ पे। तो इस पेड़ में दो तीन आम है वही की तरह, यहाँ पे भी नहीं निकला है ज़्यादा, इस पेड़ में भी नहीं है। इस बार ज़्यादा आम नहीं है, वरना पहले बहुत सारा आम होता था, इतना ज़्यादा होता था कि हम खा नहीं पाते थे, उसमें कीड़े लग जाते थे और फेंकना पड़ता था। इस बार हमारे नसीब में आम नहीं है। जो भी तीन चार बच्चा है या सारा, मुझे पता है कौवा खा लेगा, मे भी एक दो छोड़ देगा, शायद इन लोगों को तरस आएगी हम पे। तो आवाज़ सुन रहे हो, ये लोग रोज़ पार्टी करता है आम का रोज़। आप लोगों को शायद पता होगा, वैसे इसको टाल बोलते हैं, जिसमें जो राइस होता है उसके स्टीम को सुखाकर ऐसे बनाते हैं एंड ये बनाकर रखते हैं ताकि ये बाद में काम आ सके। एंड इसको जो है काऊ डंग जो होता है ना डंग, उसमें डाल के इसको जलाने के लिए भी बनाते हैं एंड एनिमल भी खाता है इसको। तो यहाँ पे बहुत सारा ये है, आप देख सकते हो। हेलो गाइस, मैं ताल पे चढ़ रही हूँ। तो बहुत सारी मस्ती हो चुकी है और हम लोग घर जा रहे हैं। मेरी मम्मी ने भी साग तोड़ लिया है, दिखाई ना इतना सारा साग इस जंगल में से। एंड अब हम लोग जा रहे हैं क्योंकि शाम हो चुकी है। आप लोग भी बगीचे में जाते हैं आम के बगीचे में या फिर कहीं भी सुनसान जगह पे, तो आप लोग दो चार लोग जाना, अकेले मत जाना, बहुत ज़्यादा अनसेफ है। Thank you.